नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं आपके लिए लेके आया नया व्लॉग, नई एक्साइटमेंट, नया लाइक के साथ ना, और नई एक्सपेक्टेशन के साथ। और हाँ, मार्केट में आई है एक नई मूवी जिसका नाम है शेर शाह। जी हाँ, सही सुना आपने, शेर शाह नाम है। और उस मूवी के मेल लीड है अपने अपकमिंग तो नहीं है उनकी, पता नहीं कौन सी मूवी है, और उनका नाम है सिद्धार्थ मल्होत्रा। भाई साहब, क्या एक्टिंग की है बंदे ने। और एंड में वो मर जाता है, और मैं दो बार रोया हूँ उस मूवी में। सेकेंड हाफ में दो बार रोने वाला सीन है, मैं दोनों बार रोया हूँ कसम से। एक बार जरूर देखना शेरशाह। फिलहाल के लिए ज्वाइन करते हैं पारी। हे एवरीवन, पार्टी में सब पार्टी में जाने से पहले सबसे ज़रूरी क्या है? शेव कर दी, ठीक है, क्लीन शेव हो गया, वो भी ठीक है। OTT, हाँ। मैं क्या पहन रहा हूँ? तो दोस्तों, मैंने ये पहना है क्विक सिल्वर की शर्ट, ये जीन्स ब्लैक कलर की, कंपनी का नाम पता नहीं। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे बाल। जी हाँ, मेरे बाल। बालों के लिए मैं यूज़ करूँगा ये सेटवेट, सॉरी एक्स का मेसी हेयर। इसको मैं कैसे ले आता हूँ आपको बताता हूँ। ये खोला, खोल के कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, ऐसा दिख के हल्का सा ये। ये पीछे की तरफ बाल है मेरे, और साइड में ये ऐसे, अब पीछे फाइनल लुक देने के लिए ये कंघी से ये पीछे चश्मा उतार दो, ये पीछे ये ऐसे ये, ठीक है। और जब बाकी लगे अगर आपको फील हो रहा है तो ये हाँ, ये हो गया, ठीक है, हो गए। अब तो आप बन गए शाहरुख खान, गुड़गांव के शाहरुख खान। मैं गुड़गांव में बैठता हूँ, गुड़गांव के शाहरुख खान बन गए। और ये आपके बाल साइड हो गए। और अगर आपको लगता है इससे नहीं होगा तो और ले लो, ये वहाँ देखे हटो, चश्मे को साइड में हटो। और जो ये देख रहा है ये बहुत, तो इसको हल्का सा आप हो गए पार्टी के लिए रेडी। वन जिसने जिसने
किसने लेट करा हुए थे यार, ओके सो ध्यान से खेलना, मैं आउट हो जाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट, 1 2 1 2 3 शूट नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि पार्टी में दवा और दारू दोनों चली थी और मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरी ये वाली ऑडियंस जो कि है वो बहुत संस्कारी, आज्ञाकारी और ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्मचारी हो या नहीं हो पता नहीं, और शाकाहारी वैसी पार्टी को देखे जो मतलब जो बिगड़ी हुई पार्टी है जिसमें दवा भी चलती है और दारू भी चलती है। तो मैंने सॉरी पार्टी की फुटेज आपको नहीं दिखाई और जो था वही है, मतलब अभी मैं सो के उठाऊँ तो जिम हो गया मेरा और अभी मैं पी रहा हूँ अपना ये कहाँ गया, हाँ ये हाँ कहाँ गया, हाँ ये टैंक पी रहा हूँ मैं अपना, और टैंक पी के जाऊँगा मैं नीचे गार्डन पे क्योंकि गार्डन में हो रहा है आर्ट का कंपटीशन, जैसे मेरी बहन पार्ट ले रही है उसकी भी थोड़ी देर में आपको वीडियो क्लिप आ जाएगी और देखो ये ब्लॉग कितना देर का बनेगा क्योंकि मैं अभी तक एडिटिंग टेबल में फिर से नहीं बैठा तो देखो कब डालूंगा और कब आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए मेरे को फॉलो करना मत भूलो @upamanyuba। अगर आप नए हो चैनल पे भी सब्सक्राइब करो ताकि आप नहीं मिस कर सको मेरी कोई भी अपडेट। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों अपनी पेंटिंग खत्म करके पीछे बाद में अपने टॉपिक्स लिख देना, आपने किस टॉपिक पे पेंटिंग बनाई है ना ऊपर लिख दो, कहीं लिख देना ऊपर या पीछे। ओ ये Look, he has late started and he has done so much. विश कर देता हूँ हैप्पी 75 इंडिपेंडेंट डे। और मैंने पहना है ये कुर्ता पजामा क्योंकि इंडिपेंडेंट डे है और देशभूषा पहननी ज़रूरी है। जी हाँ, और आज मेरा एक भगत सिंह के ऊपर पोयम है तो वो ज़रूर देखना।
आगे डाल दूंगा, तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड अ गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि भगत सिंह के ऊपर मैंने एक वीडियो लिखी है, मतलब वीडियो नहीं, पोएम लिखी है, तो ओरिजिनल है, सुनाता हूँ आपको। जन्म हुआ था पाकिस्तान में, मरा वो उस वक्त के हिंदुस्तान में, चला गया सत्य की राह पे, ए खुदा ना दे किसी को बेटा ऐसा जो छोड़ जाए अकेले बुढ़ापे की मुकाम पे। उम्र थी 23 साल की जब मुलाकात हुई उसकी फांसी के फंदे से, आज भी डरते हैं वो अंग्रेज उस जाबाज बंदे से, नादान था बोला था पर यारो क्या बोला था। साइमन गो बैक का नारा क्या जोरों से चिल्लाया था कि सबके मन में उसने देशभक्त जगाया था। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह की जय, भगत सिंह की जय, भगत सिंह की जय। तो ये थी पोएम, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करो इस पोएम का सबसे इमोशनल पार्ट, और आपको मिलता हूँ कल, क्योंकि कल एक और पार्टी है। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना नहीं है, अभी केक कटिंग होगी रात को, और तब तक के लिए क्या करोगे, क्या करोगे तब तक के लिए? स्टूडेंट हो, पढ़ लो, अच्छा रहेगा, और अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूब बना लो, टिकटॉक कर रहे हो तो टिकटॉक बना लो, इंस्टाग्रामर हो तो @ofamanubha में को फॉलो करो ताकि आप कभी ना मिस कर सको मेरी कोई भी अपडेट। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, नए हो एक और चीज़ है, सब्सक्राइब करके जाओ ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि कोई मेरे को जाने वाला है। और रात को मिलते हैं पार्टी में एक और। हाँ, वॉकेट देखना है टू ऑल द गर्ल्स, व्हाट वॉकेट देखना है? अरे एक सेकंड, टू ऑल द गर्ल्स का मिली बॉबी ब्राउन देखनी है यार, पे बताओ क्या था वो टू ऑल द बॉयज आई लव देख लो। नहीं देखी यार, उतना नहीं हुआ तो क्या फायदा भाई। 50 Shades of Grey मूवी है या सीरीज है? अच्छा मूवी है, 3 घंटे की मूवी। और तनुषा, तेरा बर्थडे देखो कैसा लग रहा है। बेटा ये ना कैम यूट्यूब पे जाएगा सीधा, ठीक है? और मैडम कौन सी मूवी देख रहे हैं? 50 Shades of Grey देखनी है। अबे एक हार्ली क्वीन की नहीं आई ना वो? एनोला होम्स? नहीं 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 नहीं, अरे वो सुसाइड स्क्वाड नई वाली, नई वाली। ये बोले मैं बोलू, एक ही बात है। तेरे को BTS पसंद है? बहन कुछ भी लगा दे, देख लेंगे। कुछ नहीं हुआ देखने को, then we'll watch Kissing Booth 3. ओया, ओए क्या? नीचे नीचे, अरे नहीं, अरे ऊपर, अरे ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, थाम थाम थाम। Sex Education? नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये देखते हैं। देख तो ली मैंने, तुमने देखी है ना? कितनी गंदी है। तू ना स्पॉइलर मत दे। बहन आज ही चलाना है, आज ही बर्थडे दे रहा। हाँ ना,
क्या दिवाली पे बम फोड़ेगी तू? तनुषा ये ले, दादी से बात कर। हेलो हेलो नमस्ते थैंक यू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tanusha. Happy birthday to you. May you lose some weight. आज के दिन कितनी बदतमीज है। May you lose some weight soon soon. अरे वो केक नहीं लगेगा मुझे। छोड़ देता सोचा उठ आइसक्रीम है दूर। हैं? दादी को भी खिला दे। हमें क्यों खिला रहे हो? तनुषा दादी क्या कह रही है सुन बेटा। मेरा बर्थडे है ना। फोटो खिंचवाओ सारे यार इकट्ठे हो गए एक भी नहीं आई।